आप सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका फिट वर्ल्ड हेल्थ केयर में। और आज हम जानेंगे अनेक रोगों को दूर करने वाली और दांतों के लिए अद्भुत औषधि तुमरू के बारे में। तुमरू क्या होता है, तुमरू के सेवन के क्या क्या फायदे होते हैं, तुमरू का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं और तुमरू के सेवन के दौरान हमको किन किन चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए। तुमरू की दो प्रजातियां पाई जाती हैं, जेंथोक्साइलम अलोटम और जेंथोक्साइलम एकेंथोपोडियम। इसके अलावा इसको अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। तुमरू एक झाड़ीदार वृक्ष है और एक ऐसी असरकारी औषधि है जो काफी सुगंधित होती है, गर्म तासीर की होती है, पाचन के लिए प्रभावशाली होती है और इसके बीजों का प्रयोग दांतों के लिए अति उत्तम होता है। मुख्य रूप से तुमरू की छाल और तुमरू के बीज आयुर्वेद में औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यह कफ दोष और वात दोष का शमन करता है और पित्तवर्धक होता है। तुमरू में ऐसे बहुत से पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। तुमरू का प्रयोग उत्तर भारत में काफी किया जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में इसके स्थान पर त्रिफल का प्रयोग किया जाता है। त्रिफल के फल तुमरू के फल से बड़े होते हैं, स्वाद में चटपटे होते हैं और गंध में संतरे के छिलके के समान होते हैं। त्रिफल के गुण तुमरू के समान ही होते हैं। त्रिफल के बीज निकाले हुए फल के चूर्ण का सेवन हर रोज 250 mg की मात्रा में शहद के साथ करना अच्छा होता है। तो अब हमने जाना तुमरू का परिचय, चलिए जानते हैं तुमरू के सेवन के क्या क्या फायदे होते हैं। पाचन के लिए तुमरू कारगर होता है क्योंकि यह मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है, जिससे खाया हुआ भोजन अच्छे से पच जाता है और पेट से संबंधित समस्याएं जैसे उल्टी, गैस, अपारा, इंडाइजेशन से छुटकारा मिलता है। इस समस्या में व्यक्ति तुमरू के बीजों के चूर्ण का सेवन कर सकता है। निरंतर तुमरू का सेवन करने से उदर रोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। अस्थमा की समस्या में तुमरू लाभदायक होता है। अस्थमा से परेशान व्यक्ति 200 ml पानी में 1 ग्राम तुमरू के बीजों का चूर्ण और 5 तुलसी के पत्ते डालकर इसको अच्छे से पकाए। इसको तब तक पकाना है जब तक जितना आपने पानी लिया है वह आधा न रह जाए। उसके बाद आप इसको छान कर थोड़ा ठंडा कर इसका सेवन कर सकते हैं। नियमित रूप से इस काढ़े का सेवन करने से अस्थमा की समस्या में लाभ मिलता है। दांतों को तुमरू मजबूत करता है। प्राचीन काल से तुमरू के दातून का प्रयोग दांतों के लिए होता आ रहा है। इससे दांत मजबूत रहते हैं और दांतों से संबंधित समस्याएं नहीं होती। दांत के दर्द में व्यक्ति तुमरू के फल को दांत के बीच में रख ले, इससे दर्द में शीघ्र ही आराम मिल जाता है। इसके अलावा गुनगुने पानी में 1 ग्राम तुमरू के बीजों का चूर्ण और 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाकर अच्छे से कुल्ला करने से भी दांत का दर्द ठीक हो जाता है। पायरिया की समस्या में तुमरू सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित करता है। इस समस्या में व्यक्ति 60 ग्राम त्रिफला, 20 ग्राम तुमरू के फलों का चूर्ण, 20 ग्राम तुमरू की छाल का चूर्ण और 20 ग्राम सेंधा नमक लेकर इनको अच्छे से मिलाएं और किसी साफ सूती कपड़े की मदद से इस चूर्ण को किसी जार में छान लें और फिर इस चूर्ण से रोजाना मंजन करें। लगातार इस मंजन का इस्तेमाल करने से पायरिया की समस्या खत्म हो जाती है। सूजन को कम करने में तुमरू मददगार होता है क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। इस समस्या में व्यक्ति तुमरू के बीजों के चूर्ण का सेवन भी कर सकता है और भारी रूप से तुमरू के पत्तों को अच्छे से उबालकर उन पत्तों से प्रभावित स्थान पर सिकाई भी कर सकता है। रोजाना तुमरू का प्रयोग करने से सूजन में सुधार होता है और दर्द में भी राहत मिलती है। चोट को सही करने में तुमरू मदद करता है क्योंकि तुमरू में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल जैसे गुण पाए जाते हैं। इस समस्या में भी व्यक्ति तुमरू के बीजों के चूर्ण का सेवन भी कर सकता है और भारी रूप से तुमरू के पत्तों का चूर्ण बनाकर उसमें थोड़ी हल्दी मिलाकर घाव पर लगा सकता है। प्रतिदिन तुमरू का प्रयोग करने से घाव जल्दी भर जाता है।
तो अब हमने जाना तुमरू के फायदों के बारे में। चलिए जानते हैं तुमरू का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तुमरू का नेचुरली उपयोग व्यक्ति तुमरू की छाल और तुमरू के बीजों का काढ़ा बनाकर कर सकता है। इसके अलावा तुमरू की छाल के पानी का सेवन करना काफी गुणकारी होता है। तुमरू के तेल का उपयोग त्वचा के लिए लाभकारी होता है। इसके अलावा तुमरू का चूर्ण बनाकर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तुमरू का चूर्ण बनाने के लिए सबसे पहले आप बाजार से तुमरू के बीज ले लें, जो कि आपको आयुर्वेदिक स्टोर यानी पंसारी की दुकान पर और ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद आप इन बीजों को अच्छे से धोकर सुखा लें और जब ये अच्छे से सूख जाए तो इनको पीस कर इनका चूर्ण बना लें और किसी साफ कपड़े की मदद से इस चूर्ण को किसी जार में छान लें। आपका तुमरू का चूर्ण तैयार हो जाएगा। फिर आप इसका सेवन कर सकते हैं 250 mg की मात्रा में दिन में एक बार। इसके अलावा तुमरू का चूर्ण ऑनलाइन और बाजार में रेडीमेड भी मिल जाता है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तुमरू के सेवन के दौरान हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तुमरू के लंबे समय तक सेवन के कोई दुष्प्रभाव नहीं होते, लेकिन तुमरू का उपयोग हमको बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में तुमरू का सेवन करने से पाचन पर प्रभाव पड़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें उन सभी के साथ जिनको आपको लगता है इस वीडियो से कुछ मदद हो सकती है। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए फिटवेल हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।